नमस्कार, स्वतंत्र प्रभात में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ समाजवादी पार्टी के तेज तर्रार युवा नेता और समाजवादी पार्टी के युवा प्रकोष्ठ के पूर्व प्रदेश उपाध्यक्ष श्री राहुल सिंह जी हैं। राहुल सिंह जी, आपका हमारे स्वतंत्र प्रभात चैनल में बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अभी मैंने यहाँ देखा कि थोड़ी देर पहले आप कपूरी ठाकुर के ऊपर एक यहाँ पे एक सफल आयोजन किए थे, और जहाँ तक लोगों से आपके साथ आए हुए समाजवादी पार्टी के कई नेताओं से हमने कपूरी ठाकुर के बारे में सुना, और बचपन से जो मैं आज तक पढ़ता आया, उनकी लाइफ, उनका जीवन एक बहुत ही इंस्पिरेशन रहा है हर तबके के लिए, चाहे युवा हो, चाहे नेता हो, चाहे व्यापारी हो, बहुत ही साधारण जीवन। आपको क्या लगता है कि मैं जानता हूँ आप समाजवादी पार्टी के एक नेता हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आज की जो पार्टी है, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो, चाहे बीजेपी हो, इन पार्टियों में कौन सी पार्टी या इस पार्टी के किस नेता को आप क्या कुछ करीब पाते हैं कपूरी ठाकुर के? देखिए, निश्चय ही आज के दौर में, अब ये मत सोचिएगा मैं समाजवादी पार्टी से बिलोंग करता हूँ इसलिए मैं अखिलेश यादव जी की बात करूँगा, लेकिन कहीं ना कहीं माननीय अखिलेश यादव से हम लोग इम्प्रेस होकर इस पार्टी को ज्वाइन किया है। जो उनकी विचारधारा है, जो उनके रहन सहन है, तमाम बिंदुओं पे आप जब गौर करेंगे तो कपूर जी काफ़ी करीब, अगर कोई आज के दौर में नेता है तो माननीय अखिलेश यादव जी हैं वो। अखिलेश यादव जी, अभी इस समय महागठबंधन चल रहा है, तो महागठबंधन में विपक्ष की तरफ से, खास करके बीजेपी की तरफ से पूछा जा रहा था कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। तो अभी हाल ही में ममता बनर्जी जी पश्चिम बंगाल में एक बड़ा आयोजन की थी, सब अलग अलग गठबंधन के नेताओं को लाई थी, तो उसमें अखिलेश जी का एक बड़ा अच्छा सवाल था कि हमसे पूछा जाता है कि महागठबंधन का नेता कौन होगा। मैं बीजेपी वालों से पूछता हूँ कि नरेंद्र मोदी के बाद दूसरा चेहरा कौन है। तो अगर राहुल जी, मैं आपसे पूछूं कि भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के बाद कौन सा चेहरा दिखता है, तो आपका क्या जवाब होगा? देखिए, मैं साफ कहना चाहूँगा, ये माननीय मुलायम सिंह यादव की पार्टी है, ये माननीय अखिलेश यादव जी पार्टी है। इसमें इतने ज़्यादा नेता हैं कि उतने ज़्यादा कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में नहीं होंगे। यहाँ हर एक कार्यकर्ता नेता है, माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने, माननीय अखिलेश यादव जी ने ऐसे ऐसे लोगों को, गरीब तबके, शोषित, वंचित और तमाम ऐसे नौजवानों को मौका दिया है जो अपने आप में नेता हैं, वो लीडरशिप करने की क्षमता रखते हैं। तो अभी ये बात करना, ये अन्याय होगा, जनता के साथ अन्याय होगा। समय आने दीजिए, जनता जिसको आगे चाहेगी उसको बढ़ाएगी, हम नेता स्वीकार करेंगे। 2019 में समाजवादी पार्टी का बहुजन समाजवादी पार्टी से गठबंधन हुआ है, आपको क्या लगता है कि 2019 के लोकसभा इलेक्शन में समाजवादी पार्टी की कितनी सीटें आएंगी? हमें उम्मीद है कि 70 प्लस सीटें समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी मिलकर लाएंगी। मैं जानना चाहूँगा, क्या अगले विधानसभा में भी सपा बसपा का गठबंधन रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये जो तानाशाही सरकार है उसका एक ही विकल्प है, इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकना। उसके लिए जितनी छोटी और तमाम पार्टियां हैं उनको एकजुट होकर इनका विरोध करना चाहिए, और ये जो गठन हुआ है, ये जो गठबंधन हुआ है, ये आगे भी लगातार चलता रहेगा। आप राहुल जी अपने क्षेत्र में युवाओं में काफ़ी फेमस हैं, हमारे कैमरामैन जरा युवा वर्ग दिखा दें, राहुल जी के सब साथ खड़े हैं। अगर कुछ ऐसा होता है, समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, तो आपको, आप युवाओं के लिए क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले हम उनके बेरोजगारी के लिए कुछ व्यवस्था करना चाहेंगे, हर नौजवान के लिए। मानिए, हम लोग अखिलेश यादव जी से काफ़ी जो है प्रभावित रहते हैं, उन्होंने जो काम किया है उसी को देख के हम आगे बढ़ते हैं। उन्होंने नौजवानों के लिए, अशिक्षित लोगों के लिए शिक्षा की व्यवस्था किया है, हॉस्पिटल देख लीजिए आप, वहाँ दवा दारू की व्यवस्था किया है उन्होंने, तमाम सारी चीज़ें हैं। तो हम भी उसी पे आगे बढ़ेंगे, उनके जो रास्ता उन्होंने जो बनाया है उस पे हम चलने का काम करेंगे, नौजवानों के शिक्षा, बेरोजगारी और तमाम सारे बिंदु हैं उस पे हम काम करेंगे। एक और पार्टी शिवपाल जी की है मार्केट में, आपको क्या लगता है कि इससे आपकी पार्टी को कोई नुकसान होगा या कोई इस पे फर्क नहीं पड़ेगा? ये हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं, वो पार्टी भाजपा बी टीम है, और भाजपा जो चाहेगी वो पार्टी करेगी। जनता कहीं स्वीकार कर नहीं रही उस पार्टी को, उसका नतीजा आपको लोकसभा मिल जाएगा। आपका जो क्षेत्र पड़ता है राहुल जी, ये लखनऊ पूर्वी, जहाँ तक हमें जानकारी, लखनऊ पूर्वी है, यहाँ पे आपको सबसे मूल समस्या क्या लगती है यहाँ के लोगों की, यहाँ की जो पब्लिक है, और आप क्या चाहेंगे अगर आप, आपकी सरकार आती है, तो आप क्या चाहेंगे कि यहाँ पे कौन सी समस्या सबसे पहले दूर होनी चाहिए?
देखिए, सबसे पहली व्यवस्था तो यहाँ ट्रैफिक व्यवस्था है, जो लखनऊ पूर्वी में, फिलहाल लखनऊ की बात कर रहा हूँ मैं, ट्रैफिक की व्यवस्था बहुत ज़्यादा है, उसके लिए कोई ना कोई विकल्प निकलना चाहिए। दूसरी चीज़ पानी की व्यवस्था है, और कई क्षेत्रों में तो अब योगी जी ने ऐसा कर दिया है कि प्रॉपर बिजली नहीं आती है। माननीय अखिलेश यादव ने इतना विकास किया, अब जगह जगह रोड पर गड्ढे मिल रहे हैं, तो ये तमाम बिंदु हैं, इस पर हम काम करना चाहेंगे और इसको दूर करना चाहेंगे हम लोग। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी आपका, आपने आज एक कपूरी ठाकुर जी की जयंती मनाई जो काफ़ी सफल आयोजन रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इनसे प्रेरणा लेंगे, इनके बनाए रास्ते पर चलने की कोशिश करेंगे। हालांकि पॉसिबल नहीं लगता कोई नेता इनके कदमों पे चले, लेकिन एक बड़ी बात है कि आपने इनका एक यहाँ पे आयोजन किया, जो कपूरी ठाकुर का कहीं ना कहीं योगदान और महापुरुषों की अपेक्षा कम नहीं रहा। अलग बात है उनके भी योगदान थे, इनके भी थे, लेकिन आपको इनके अंदर की जो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती हैं और उसे आप अपने आप उस वैसा बनना चाहते हैं? मुझे इनकी सादगी, जो इनका जो है जीवन था, जो बिल्कुल उच्च विचार, सादा जीवन, और गरीबों, शोषितों, वंचितों की जो लड़ाई इन्होंने लड़ी, हम अपने आप से ये कोशिश करेंगे, प्रयास करेंगे कि उनके इस मार्ग पर चलने का प्रयास करूंगा मैं। बहुत बहुत धन्यवाद राहुल जी। थैंक यू, धन्यवाद।